अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SGMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। नाउ कक्षा 5 विषय हिंदी और हमारा पार्ट 3 है नन्ना मुन्ना राही हूँ, जिसके कवि हैं शकील बदायूनी। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ, छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ, तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। देखिए यहाँ पर इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहे। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। वो कहता है कि देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर के नहीं चलूंगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट सहने पड़े या कितने ही कष्ट सहते हुए भी जीना पड़े, पर मैं आगे बढ़ता रहूँगा। उसकी इच्छा है कि अगर आगे बढ़ते हुए कितनी भी बाधाएं आए पर उनका सामना करना पड़े तो मैं सामना करूँगा। मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ मैं, देश का सिपाही हूँ मैं। वो कहता है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूंगा, दम लेना, कहीं दम मतलब कहीं आराम न करना, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। जहां तक मुझे अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होती, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ता जाऊंगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना रही है इसमें। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। देखें धूप में चलते हुए मैं जहां भी पसीना बहाऊंगा, जब धूप होती है इंसान चलता है उसे बहुत ही पसीना, पसीना मतलब स्वेट होना, तो जितना भी स्वेट बहाऊंगा वहां हरे 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 भरे खेत लहलहा उठेंगे। कहने का मतलब है मैं जितनी मेहनत करूंगा अपने देश के प्रति, वहां मैं हरियाली लाऊंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, सॉरी, धरती पे पापी ना पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। वह कहता है कि मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा और खूब तरक्की करता जाऊंगा। जहाँ तक मैं हूँ वहाँ तक इस धरती पर कोई भी पापी का जन्म नहीं हो पाएगा, और धूप में चलते हुए अपना पसीना बहाऊँगा जिससे हरे भरे खेत लहलहा उठेंगे। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। मैं बड़ा जब हो जाऊंगा तो मैं देश का सहारा बन जाऊंगा और इस सारी दुनिया की आंखों का मैं तारा बनूंगा। उसका कहने का मतलब है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं देश का सिपाही हूँ, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा, अपने देश का मैं सहारा बन जाऊंगा और सारी दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हर दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। वो कहता है कि मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा, मेरे देश का जो तिरंगा झंडा है उसे मैं हमेशा ऊंचा ही रखूंगा और आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। अपने देश की शान जो है हमारा तिरंगा है उसे मैं हमेशा ऊंचा रखूंगा, उसे कभी ना मैं गिरने दूंगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। मेरा देश, मेरा शहर, मेरा देश जो है वो शांति की नगरी है।
मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा। जो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं उन्हें मैं प्यार से रहना सिखाऊंगा, और मेरे देश की जो शांति की नगरी है उसमें मैं सुकून लाऊंगा। भारत हमारा देश है और इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। हम भारत माता के नन्हे बालक हैं और मंजिल प्राप्त करने के लिए हम बाधाओं का डटकर सामना करते रहेंगे। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। वो कहता है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी बम नहीं गिरने दूंगा, मेरे रहते दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। जहां तक मैं हूं वहां तक मैं इस दुनिया में बेकसूरों को कभी मरने नहीं दूंगा और आगे ही आगे मैं बढ़ता जाऊंगा। हमें अपना देश जान से भी अधिक प्यारा है, हम अपने देश के पहरेदार हैं। बड़े होकर हमें अपने देश के सिपाही बनना है। सिपाही देश की रक्षा करके देश सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार मजदूर, किसान, विद्यार्थी, शिक्षक अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करते हैं, यही हमें समझाया है। चले अब शब्दार्थ देखते हैं हम। नन्हा छोटा, धूप तड़को, राही मुसाफिर यात्री, सिपाही सैनिक, वतन, वतन मतलब देश जो हमारी जन्मभूमि है, मंजिल लक्ष्य ध्येय, चलन व्यवहार आचरण, दम सांस, बम विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, कदम पैर, मुहावरे देखें तो पहला मुहावरा है आंखों का तारा, उसका मतलब होता है बहुत प्यारा, मर मर कर जीना मतलब बहुत कष्ट करते हुए जीना, दम लेना मतलब आराम करना। ये सारे शब्दार्थ और मुहावरे आपको अपनी बुक में लिखने हैं। पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। थैंक यू।